तो हे गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, मेरे साथ है जीतू, आश्रित और विपिन। क्या है आश्रित भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हम जा रहे हैं विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन से। भाई को हमारे डॉक्टर भाई। ये रहा हमारा विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन। डॉक्टर भाई हमारे। ये डॉक्टर भाई। जीतू क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। बस अब हम चल पड़े। गर्मी बहुत है भाई। ऐसे गर्मी बहुत ज्यादा है, हमें हाइड्रेट रहना है। तो गाइस अब हम मेट्रो में आ चुके हैं, बस हम यहाँ से दिल्ली के एंड जा रहे हैं। तो गाइस अब हमने एग्जिट ले लिया दिल्ली गेट से, रिक्शा कर लिया हमने, अब जा रहे हैं सारे भाई के साथ अंदर। कर लेते कोई फोन छीन के भाग दे आगे का व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक भाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं व्लॉग। ये तो भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। तो गाइस अब हम आ चुके हैं स्टेशन पे, धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा यहाँ पे। बाकी देखते हैं, विपिन और आश्रित गए हैं टिकट चेक करने, कंफर्म करवाने। बाकी क्या कर रहे हैं जीतू? नथिंग ब्रो, स्नैपचैट। ये वो देख सकते हो प्लेटफॉर्म। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं बस हम। ट्रेन हमारी आने वाली है, 4:30 हो गए हैं, बस आ ही गई है। लो सामने से आ गई, मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। बोलिए हमारी ट्रेन। बस अब हम बैठते हैं, इसी कोशिश लिया हमने, टीटी से टिकट बनवाई है। तो आज तुम्हारे भाई को तो मिल गई है सीट, तुम्हारे भाई को तो सीट मिल गई है। ये दो भाई खड़े हैं, ये देखो। देखते हैं, अभी मैं तो पहली बार ही चढ़ा हूँ इसमें। ये खड़े हैं, इन्हें सीट नहीं मिली होगी। अब हम उतर चुके हैं रिंगस पर। गाइस जीतू, मैं तो वीडियो सीट लूँगा। यहाँ से हम कैब करके आगे जाएंगे, 17 किलोमीटर बैठूँगा। पहले थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। कचौड़ी कैसी जीतू भाई? एक नंबर। कैसी लगी? बैठ गए गाइस टेम्पू में, उसके बाद हम जा रहे हैं आगे रिंगस तक। पहले हम लेंगे धर्मशाला या होटल, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर 11:30 से हम स्टार्ट कर देंगे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी एक फ्रेंड हमारा निशान लेके आया है, निशान लेके थोड़ा पैदल आ रहा है आगे तक, वो उसे हम आगे उठाएंगे, मिलते हैं। कैसा लग रहा है जीतू भाई? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आशीष? बहुत सही भाई, सवारी ले ले। एक बार आपको बाहर का व्यू। ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप निशान देख सकते हो, यहाँ से आप अपने निशान खरीद सकते हो। करे तो भाई एक मिनट रुक जा। मुझको समझना बस इतना ही तुमसे कहना, चुके हैं खाटू श्याम जी द्वार पे। फाइनली देख सकते हो आप मेरे पीछे श्याम जी का द्वार। ये देखो कितना बड़ा होटल लग रहा है।
जिस चीज का फाइनली हमें वेट था। अब बोलो बोलो काटू नरेश की जय। जब हम धर्मशाला जा रहे हैं निकल गए हम यहाँ से, पहले थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। धर्मशाला एक बार आपको मैं दिखा दूँ, आपको हम कौन सी धर्मशाला में रुकने वाले हैं। ये देखो इसमें दिख नहीं रही है, अभी आगे चल के दिखा दूँगा आपको। तो गाइज अब हम आए हुए हैं सांवरिया की धर्मशाला पे। धर्मशाला तो लग नहीं रही, होटल लग रहा है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास धर्मशाला, देख सकते हो। ये अंदर बात करने गया हुआ जीतू, हम बाहर खड़े देख रहे हैं। व्यू देखो आप गाइस, अल्टीमेट व्यू है। एक और मैं अपने पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पीछे है सांवरिया की तरफ। चलो देखो आपको दिख रही होगी। तो गाइस मैं रूम टूर देना भूल गया था आप लोगों को, रूम टूर मैं अभी आपको देता हूँ। हम रुके वृंदावन वाली धर्मशाला में, दिखाता हूँ एक बार मैं हमारा रूम। एक मिनट साइड हो ना भाई, मैं रूम टूर देने वाला हूँ। ये देखो ये हमारी एंट्री है, ये हमारी लॉबी है। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ से, वहाँ की पीछे हवा चल रही है, बिजली देखो आप। ये हमारा रूम है, तो गाइस अब हम निकल चुके हैं होटल से, मतलब हम आ चुके हैं दरबार के सामने। गाइस अब हम आ चुके हैं दरबार के सामने, जैसे कि आप देख सकते हो, दिखा सकते हो आपको, सामने मंदिर है हमारे। बस कुछ ही देर में दर्शन शुरू होने वाले हैं। तो गाइस अभी कपाट बंद हो चुके थे, तो कपाट अब 4:30 बजे खुलेंगे, तो इसलिए अब हम पहले खाना खाने आ चुके हैं। ये देखिए हमारा सलाद आ चुका है, ये हमारी प्लेटें हैं। थोड़ी प्लेटें थोड़ी ज़्यादा गंदी हैं, तो हम एक बार टिफिन साफ कर रहे हैं। तो गाइस अब बज रहे हैं 4:50 हो रहे हैं सुबह के। वैसे तो हमें 2:30 बजे तक निकलना था, बट 2:30 बजे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस चक्कर में मैं लेट हो गया। अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह दर्शन करने, आरती अटेंड करने, तो चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं खाटू नरेश, खाटू श्याम जी के दर्शन पे। प्रसाद हमने ले लिया चूरमा, जो कि खाटू श्याम जी का फेवरेट है। ये देख सकते हैं उधर से एंट्री है हमारी, निशान साहब जी रहे हमारे। आगे हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करो, हम उधर से पूछ रहे थे, उन्होंने बंदे 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 और रास्ता आगे से जाने का। जय श्री राम। खाटू नरेश की जय। बोल खाटू नरेश की जय। बोल तीन बांधारी की जय। बोलो हरे के सारे की जय। आ गए हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने, ये देख सकते हो सामने। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो तीन बांधारी की जय। बोलो हरे के सारे की। तो जा रहे कुंड की तरफ गाइस, कुंड देख सकते हो आप नीचे, ये एंट्री है कुंड की, हम कुंड की तरफ जाते हैं। तो गाइस दर्शन हो गए हमें बहुत ही अच्छे, इस टाइम हम आए हैं रसोड़ा में। रसोड़ा ये देख सकते हो आप मेरे पीछे है, और होटल में दिखाता हूँ आपको, ये वाला होटल जो मैंने आपको दिखाया था पहले शायद क्लिप्स में, मैं डाल दूंगा वैसे एक बार।
तो अब हम आए सुबह चाय पीने, क्योंकि 8 बजे की हमारी ट्रेन है। रसोड़ा खुलेगा 8 बजे, तो 8 बजे हम खाना वगैरह तो खा नहीं पाएंगे। बाकी हम चाय पीते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस बस हमने चेकआउट कर दिया है, 6:45 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं। हमारा रूम सारे रेडी हैं, रिमोट हमें वापस करना है चाबी के साथ। एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ होटल के बाहर का व्यू। चलो 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 चलो, अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए गाइस। 7:40 की ट्रेन है, 7 तो ये बज गए हैं। भाग भाग के हमें ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि हाफ एन आवर लग जाएगा हमें स्टेशन पे। और चलते हैं, भीड़ देखो आप कितनी हो रही आगे से। थैंक यू आशीष भाई याद दिलाने के लिए। फाइनली गाइस हम टाइम पर पहुंचने वाले हैं। जय श्री श्याम, हरे का सहारा अवश्य हमारा। सो गाइस फाइनली एग्जिट ले लिया, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी तो इस चक्कर में मैंने वहाँ दिखाया नहीं है। अब हम जा रहे हैं आगे मेट्रो स्टेशन के लिए। तो तू यहाँ इसमें बोलो भाई, क्या बोल रहे हो आप? हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा वेदर हो रखा था, बारिश हो रही थी पूरी भाई। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, पानी पी गया। अब यहाँ आते हैं दोबारा गन्ने का जूस पीते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर घर चलेंगे हम। ये रहा गन्ने का जूस। सो हे गाइज, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये व्लॉग यहाँ से कैसे कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो बैटरीज बिल्कुल डेड हो गई थी, ऊपर से ट्रेन में इतनी ज़्यादा नॉइज थी आते टाइम कि मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा था, बिल्कुल भी मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, तो इस चक्कर में भी हमने नहीं करा। दूसरा, हमने पूरे 24 घंटे हो गए थे, हम सोए नहीं थे, पूरी रात मस्ती कर रहे थे। उसके बाद सुबह 5 बजे हम रिंगस के लिए बाबा के पास दर्शन के लिए चले गए थे। दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए, मैं बताना चाहूँगा आपको, सुबह 5 बजे के दर्शन। उसके बाद हमारी ट्रेन भी छूटने वाली थी, ऑलमोस्ट 8:45 की ट्रेन थी और हम 8:45 पे ही पहुँचे थे स्टेशन पे और ट्रेन हमारी चल पड़ी थी। बिल्कुल हमारे साथ ऐसा सीन हुआ, देख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे हमने भाग के ट्रेन पकड़ी। तो उसके बाद मैंने व्लॉग आज शूट करा है, देख सकते हो आप, थोड़ा हेयर कट वगैरह करा ली है। बाकी अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट गाइज, और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।